हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फार्मा इंजीनियरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोविंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोविंग क्या होता है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है, वो फार्मा इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है। ये मुश्किल टॉपिक आज का है, वो फार्मा गाइडलाइंस के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री में कोविंग क्यों किया जाता है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बता, कोविंग होता क्या है? तो आप फार्मा इंडस्ट्री में देखे होंगे कि दो वाल्स का जो कॉर्नर होता है, या सीलिंग और वाल्स का जो कॉर्नर होता है, वहाँ पे एक कर्व पोर्शन होता है, कर्व टाइप का पोर्शन होता है, सात कॉर्नर नहीं होता है। तो इस कर्व पोर्शन को हम कोविंग बोलते हैं, और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा गाइडलाइंस के अनुसार हर फार्मा इंडस्ट्री में इसको करना कंपलसरी है। ओके, तो ये करते क्यों हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। इसके करने की वजह यह है कि अगर यहाँ पे शार्प कॉर्नर होगा, सपोज ये फ्लोर है और ये वॉल है, अगर यहाँ पे शार्प कॉर्नर होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पाउडर एक्यूमुलेट होगा, वहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होगा, फिर वो पाउडर और पानी क्या होगा, सड़ेंगे, फिर उसके अंदर से बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा, फिर वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरे एरिया में फैलेंगे एयर के थ्रू, और एरिया को कंटामिनेट करेंगे। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि ये जो शार्प कॉर्नर है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे कर्व पोर्शन कर दिया जाता है, जिसके वजह से इस पार्ट में पानी का एक्युमुलेट ना हो, डस्ट का एक्युमुलेशन ना हो, और इस एरिया को इजीली क्लीन कर लिया जा सके, सो डैट यहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो, तो अपना एरिया में क्लीनलीनेस बना रहेगा। तो इस वजह से हर फार्मा इंडस्ट्री में हर कॉर्नर को कोविंग करना कंपलसरी रहता है, ये फार्मा गाइडलाइंस के अनुसार कंपलसरी है। ओके, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो, जिसमें हमने देखा कोविंग क्या होता है और कोविंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्यों किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thank you.